की देवेंद्रजींनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेस माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांच्या संकल्पनेतून मी काम केलं आणि आता मी मुख्यमंत्री असताना आणि आम्ही दोघही एकत्र असताना आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते याचं लोकार्पण होतंय याचा आनंद खूप मोठा आहे। आणि त्याचबरोबर या महामार्गाला हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आम्ही दिलंय याचाही खूप मोठा आनंद आहे। आणि म्हणून मी खऱ्या अर्थाने आज भाग्यशाली समजतो, भाग्यवान समजतो स्वतःला। देवेंद्रजींनी आम्ही सुरू केला हा महामार्ग आणि आज आमच्याच काळामध्ये कारकिर्दीमध्ये याचं लोकार्पण होतंय। याच्यामध्ये खूप अडचणी आल्या देवेंद्रजींनी सांगितल्या, परंतु लँड ॲक्विजिशनमध्ये खूप विरोध झाला, विरोध करायला लावला, बैठका झाल्या, जमीन देऊ नये म्हणून, हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून अनेक लोकांनी प्रयत्न केले, पण मी आणि देवेंद्रजींनी त्याच्यावर अतिशय कुशलपूर्वक सगळ्यांना सोबत घेऊन, आमचे मोपलवार आहेत, गायकवाड आहेत, सोनिक आहेत, परदेशी आहेत, या सगळे सुरुवातीपासून आजही आज ते समोर बसलेले आहेत। आजच्या लोकार्पण असा इतिहासात कधी दुर्मिळ असतं की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हे सर्व लोक सोबत होते आणि शेतकऱ्यांना विश्वास दिला, त्यांना वाटलं आमचे पैसे भेटतील की नाही, परंतु आम्ही आरटीजीएसच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले, त्यांच्यामध्ये एक विश्वास निर्माण केला। अनेक अडचणी निर्माण झाल्या, परंतु त्या सगळ्या अडचणी आम्ही विश्वास निर्माण केला, याला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आणि त्यामुळे लँड ॲक्विजिशन जे आहे सगळ्यात मोठा पार टप्पा असतो जमीन अधिग्रहण, ते आम्ही रेकॉर्ड टाईममध्ये केलं सगळ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, आणि त्यामुळे पुढचं काम सुरू झालं। आणि हा खऱ्या अर्थाने याच्यामध्ये आम्ही सर्व काळजी घेतली आहे, हा इको फ्रेंडली रस्ता आहे। यहां पर 11 लाख पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम कमीत कमी 35 लाख झाडं आपण लावतोय। हा पूर्ण ग्रीन कॉरिडॉर आहे, 250 मेगावॅट किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्तीची मेगावॅट सोलर एनर्जी आपण जनरेट करतोय। 1200 पेक्षा जास्ती तलाव शेतकरी आपण शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केली, खास करून वन्य प्राणी जे आहेत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वन्य प्राणी जो है उनके लिए भी अंडरपास और ओवरपास हमने की, क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। सभी लोगों का ध्यान रखते हुए यह समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है, शिरडी तक हुआ है, आगे एक साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा। एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक गेम चेंजर प्रकल्प है ये, हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है ये महाराष्ट्र की भाग्य रेशा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट्र की नई लाइफलाइन कहलाएगा। ये आज इसके सिर्फ हाईवे नहीं, इसके दोनों तरफ में कई हम नवनगर बनाना चाहते हैं और वहां कई इंडस्ट्री आएगी, वहां पर इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा, आईटी हब होगा, प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे, लॉजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समृद्धि हाईवे कहलाएगा। इसका हमें खूब बहुत ही आनंद है। 701 किलोमीटर का देश में सबसे लंबाई वाला बहुत ही वेगवान ये महामार्ग है। हमने उस दिन गाड़ी चलाई, मैंने नहीं, देवेंद्र जी ने, और रोड पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था, ऐसा ये रोड बनाया, वर्ल्ड क्लास रोड बनाया, जैसे जर्मनी ऑटोबान का उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन उससे कई गुना अच्छा ये रास्ता, ये समृद्धि साबित होगा। इसका हमें बहुत ही आनंद है। ये विकास की गंगा बहाने वाला ये समृद्धि हाईवे होगा, इसका
सभी लोगों को, किसानों को फायदा होगा। और ये समृद्धि हाईवे महाराष्ट्र में 10 जिलों को डायरेक्ट, 26 तालुका, 392 गांव डायरेक्ट जोड़ने वाला है और 14 जिले को कनेक्टर के माध्यम से जोड़ने वाला है। यह महाराष्ट्र के 24 जिलों को इंपैक्ट देने वाला, फायदा देने वाला समृद्धि हाईवे है। और मैंने कहा कि पर्यावरण का भी पूरी तरह ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यह काम किया है। और यहाँ के किसान जो है, यहाँ के किसान, शेतकरी, भूमि पुत्र, वो सभी लोगों को बिल्कुल उनके कंसेंट से हम लोगों ने ये जमीन अधिग्रहित की है, उनके माध्यम से ही हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है। और इसलिए ये गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश को ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी देने वाला ये महामार्ग है। और इसलिए मैं सभी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये बहुत कठिन काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था और उसे हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारी सब टीम ने ये काम किया है, इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और महाराष्ट्र में जो बुलेट ट्रेन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जैसे आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे भी हम लोग गति दे रहे, उसे आगे बढ़ा रहे। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और इसलिए जैसे देवेंद्र जी ने कहा डबल इंजन सरकार, हाँ, हम लोगों ने जब सरकार बनाई, ये सर्व सामान्य लोगों की सरकार, आम लोगों की सरकार, सभी लोगों को लगता है ये हमारी सरकार है, ये लोग जो बैठे हैं ये हमारे हैं, ये आपनेपन की जो भावना निर्माण हुई है और आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपने पहले दिन हमें कहा था कि शिंदे जी, देवेंद्र जी, आप राज्य का विकास करो, जनता के हित के काम करो, केंद्र सरकार पूरी तरह आपके साथ ताकत से खड़ी है और हमें विश्वास है कि आपने रोड के लिए, रेलवे के लिए, नगर विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया की प्रावधान भी आपने किया है। आगे भी हम आपकी मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते, हमारे राज्य में इंडस्ट्री आवे, बड़े बड़े उद्योग आवे, लोगों, हजारों लाखों लोगों को काम मिले, यही हमारी कामना है। और यही, और हमें विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेहनत करने वाले लोग हैं दोनों भी, हमारे मंत्री लोग सब मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे, आप सहयोग आशीर्वाद रखिए, ये राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर G20 की भी तैयारी हमारे महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से शुरू है। हमें पता है G20 का क्या महत्व है, G20 का अध्यक्षता पद मिलना ये हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और आपके नेतृत्व में ये G20 ये देश में आयोजन होगा, हमारे सभी राज्यों को, मुंबई को, नागपुर को, इस राज्य के पूना है, संभाजीनगर है, हमारा ब्रांडिंग, हमारे काम, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट है और हमारा यहाँ ब्रांडिंग करने का, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला है। ये केवल आपके वजह से मिला है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को आपने इतने ऊंचाई पर रखने की कोशिश की है, इसीलिए ये मुमकिन हुआ है। और मैं कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया है, पूरे दुनिया में भारत का नाम आज रोशन है। आप प्रधानमंत्री, आपके वजह से हम जानते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आगे हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए।